छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि काम कैसे करता है, और लास्ट पे हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का जो डिफरेंस है उसके भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करवाता हूँ, मैसेज प्रिंट आउट कर देता हूँ, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, इधर बी, उसके बाद लिखते हैं सी आउट वैल्यूज बिफोर इंक्रीमेंट ए इज इक्वल B is equal। और अब हमने करना क्या, एक फंक्शन बनाते हैं कि जो भी वैल्यू यूजर हमें देगा उसका हम इंक्रीमेंट करते हैं और देखते हैं कि अब जब भी हम इसको पास करेंगे बाय रेफरेंस के थ्रू तो इसके साथ इसकी वैल्यू उसके अंदर कोई चेंजिंग आती है कि नहीं आती। तो उसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं void इंक्री के नाम से, और इसके अंदर दो पैरामीटर्स हम बनाते हैं, इंटीजर एक्स और इंटीजर। ये जो मैंने पैरामीटर बनाया है ये कॉल बाय वैल्यू के लिए बनाया है, और अब मैं जो पैरामीटर बनाऊंगा वो कॉल बाय रेफरेंस के लिए बनाऊंगा। तो उसके लिए रेफरेंस के लिए रेफरेंस ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए शिफ्ट 7 एंड ऑपरेटर जो हमारे पास है वो रेफरेंस ऑपरेटर होता है, और आगे वाई ये हमने डिक्लेयर कर लिया। इसकी बॉडी के अंदर आते हैं, इधर हम सिंपली क्या करते हैं एक्स का इंक्रीमेंट कर देते हैं और वाई का इंक्रीमेंट कर देते हैं, और अब हम देखते हैं इधर हम फंक्शन कॉल करते हैं इंक्री और इसके अंदर वैल्यूज पास करते हैं ए वैल्यू और बी वैल्यू एंड बाय मार टर्मिनेटर। इस लाइन को कॉपी करते हैं, इधर आप बिफोर की जगह आफ्टर लिखते हैं और अब इसको रन करते हैं। कोड टेन फर्स्ट वाले 10 देता हूं 20 देता हूं, तो अब ये देखें जैसे ही मैंने वैल्यू 10 और 20 दी है, ए के अंदर 10 स्टोर हो गया, बी के अंदर 20 स्टोर हो गया, तो उसने बता दिया कि इंक्रीमेंट होने से पहले ये वैल्यू है हमारे पास जो मैंने सिंपली दी है, और इंक्रीमेंट होने के बाद ये देखें ए की वैल्यू 10 रही है और बी की वैल्यू 21 आ गई है। वो क्यों आ गई है, हालांकि मैंने दोनों इंक्रीमेंट किए हैं, वो कैसे आए हैं? ये हमारे पास क्या है, फॉर्मल पैरा मीटर्स, और इसके अंदर हमारे क्या है, एक्चुअल पैरा मीटर्स। जो कॉल बाय वैल्यू होती है वो सिंपली वैल्यू को कॉपी करता है और वो फॉर्मल पैरामीटर को पास कर देता है, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में ऐसा नहीं होता है। जो कॉल बाय रेफरेंस होता है उसमें इसमें ये होता है कि जो बी की मेमोरी है और ये जो हमने ये बनाया रेफरेंस ऑपरेटर के साथ हमने वाई डिक्लेयर करवाया, इसकी मेमोरी ये आपस में शेयर करती हैं, तो इसमें ये होता है कि जो इसकी वैल्यू अगर हम मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर हम फंक्शन के अंदर जाके इसकी वैल्यू को मैनिपुलेट करेंगे तो जो एक्चुअल पैरामीटर होगा उसकी वैल्यू भी चेंज होगी, क्योंकि इनकी मेमोरी शेयर होती है। और ये जो काम है कॉल बाय रेफरेंस है ये ज्यादा रिलायबल होता है और एफिशिएंट होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि ये लेस मेमोरी कंज्यूम करता है। और इसमें ये होता है अगर हम फॉर्मल पैरामीटर के अंदर इसकी वैल्यू को चेंज करें तो वो एक्चुअल पैरामीटर में भी इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, जबकि जो कॉल बाय वैल्यू होता है वो उसमें इस तरह का कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इसकी जो मेमोरी अलग है ए वेरिएबल की और इसकी मेमोरी अलग है, इन्होंने आपस में शेयर नहीं किया है। लेकिन बी जो है इंटीजर टाइप का जो हमारा वेरिएबल है उसकी मेमोरी
और हमने जो ये फॉर्मल पैरामीटर के अंदर जो कॉल बाय रेफरेंस का ऑपरेटर यूज किया है, इसकी जो मेमोरी है वो इन्होंने आपस में शेयर की होती है। अब हम इसको दोबारा रन करते हैं आप ताकि आप इसको बेटर वे में समझ सकें। 10 करता हूँ, 20 करता हूँ, तो ये देखें, ये मैंने वो वाली वैल्यू बताई है कि जो मैंने एंटर की है ना, सबसे पहले उसने वो सी आउट कर दी है कि हमारे पास 10 की वैल्यू ए के अंदर है और 20 की जो वैल्यू वो बी के अंदर है। उसके बाद मैंने फंक्शन कॉल किया है, उसके अंदर मैंने पैरामीटर्स पास कर दिए हैं। पैरामीटर जैसे मैंने पास किए जो ए की वैल्यू थी वो यहाँ पे रिसीव हो गया, ए का इंक्रीमेंट तो हुआ यहाँ पे, अब इसको 10 की जाए 11 हो गया, लेकिन वो इसके अंदर ही रहेगी वैल्यू, उसके एक्चुअल पैरामीटर में इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू किया। लेकिन जो मैंने बी यहाँ पे पैरामीटर पास किया है उसको मैंने रेफरेंस ऑपरेटर के साथ लगा दिया है और अब इसकी मेमोरी शेयर हो गई है, तो जो अब इसकी मेमोरी को जैसे भी मैनिपुलेट किया जाएगा उसकी एक्चुअल जो वैल्यू होगी वो चेंज होती रहेगी। तो अब मैंने यहाँ पे वाई का इंक्रीमेंट किया, तो अब वाई की और बी की जो मेमोरी है वो शेयर है, पहले हमारे पास 20 था, अब हमारे पास 21 आ गया। तो अब मैंने यहाँ पे सिंपली मैसेज सी आउट करवाया था कि अब ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू वो ही रही है क्योंकि वो कॉपी वैल्यू थी, जाती थी उसके पास, उसने इसके अंदर इंक्रीमेंट किया लेकिन एक्चुअल में उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। लेकिन मैंने बी के साथ कॉल बाय रेफरेंस किया तो जो उसकी मेमोरी शेयर थी तो उसकी वैल्यू के अंदर यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया, इस तरह जो एक्चुअल वैल्यू थी उसके अंदर भी चेंज आया। तो यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू 21 आ गई है, पहले हमारे पास 20 थी अब 21 आ गई है। ये था कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के अंदर डिफरेंस। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है या ये वीडियो आपको सीखने लायक लगी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। आपको मेरे साथ कॉन्टैक्ट करने के सोशल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।